हाय, जब स्टॉक्स को एनालाइज करने की बात आती है तो कुछ इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस प्रेफर करते हैं, जबकि कुछ इन्वेस्टर्स टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रो रीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कवर करती है। इस बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स और विनिंग सिस्टम इन गुड टाइम्स और बैड। इस बुक के ऑथर हैं विलियम जे ओनील। विलियम जे ओनील एक अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर और ऑथर हैं। विलियम जे ओनील फेमस बिजनेस न्यूज़पेपर इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के फाउंडर भी हैं। तो चलिए इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। इस बुक की फर्स्ट लर्निंग ये है कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि अच्छे स्टॉक कैसे पिक करें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसी कंपनीज को एनालाइज करना जिन्होंने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग स्टॉक्स के प्राइस पैटर्न्स और बिजनेस रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बुक में 100 ऐसे स्टॉक्स के चार्ट्स भी दिए गए हैं जिन्होंने 1880 से 2008 तक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन चार्ट्स के थ्रू ऑथर ने वो रीजंस भी एक्सप्लेन किए हैं जिनकी वजह से इन स्टॉक्स के प्राइसेस में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ऑथर ने इन चार्ट्स में जिन फैक्टर्स को मेंशन किया है उनकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि स्टॉक्स पिक करते समय कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। इस बुक की सेकंड लर्निंग के रूप में हम कैन स्लिम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। इस बुक में कैन स्लिम नाम की एक स्ट्रैटेजी को समझाया गया है जो एक टेक्नो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी अच्छे स्टॉक्स पिक करने में आपकी हेल्प करती है। वैसे तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। अगर आप कैन स्लिम स्ट्रैटेजी पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैन स्लिम स्ट्रैटेजी के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑथर के अनुसार जो स्टॉक्स इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कैन स्लिम स्ट्रैटेजी में सी का मीनिंग है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, यानी कि स्टॉक के करंट क्वार्टर की ईपीएस पिछले साल के सेम क्वार्टर के ईपीएस से मिनिमम 20% ज्यादा होनी चाहिए। ए का मीनिंग है एनुअल अर्निंग्स, यानी कि स्टॉक की एनुअल अर्निंग्स में मिनिमम 25% की ग्रोथ शो होनी चाहिए। कैन स्लिम स्ट्रैटेजी में एन का मीनिंग है न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मैनेजमेंट, यानी अगर कोई कंपनी मार्केट डिमांड के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है तो ये उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एस का मीनिंग है सप्लाई एंड डिमांड, यानी अगर किसी स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का साइन है और स्टॉक प्राइस वहां से और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। एल का मीनिंग है लीडर और लैगार्ड, यानी कि आपको इंडस्ट्री के लीडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि क्राइसिस के समय ऐसी कंपनी सर्वाइव कर पाती हैं और बाकी छोटी कंपनीज का मार्केट शेयर अक्वायर करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। आई का मीनिंग है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, यानी अगर किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फाइनली कैन स्लिम स्ट्रैटेजी में एम का मीनिंग है मार्केट डायरेक्शन, यानी आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मार्केट ट्रेंड का पता लगाने के लिए आप इंडिसीज जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी का ट्रेंड देख सकते हैं। ऑथर के अनुसार मार्केट का आउटलुक लॉन्ग टर्म में हमेशा बुलिश होता है और जो स्टॉक्स मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था कैन स्लिम स्ट्रैटेजी का एक ओवरव्यू। अब हमने ये तो सीख लिया कि स्टॉक्स को बाय कैसे करना है, लेकिन स्टॉक्स को बाय करने से भी ज्यादा जरूरी है उनको सही समय पर सेल करना। तो चलिए इस बुक की थर्ड लर्निंग के बात करते हैं जहां हम ये सीखेंगे कि स्टॉक्स को सेल कब करना चाहिए। इस बुक की थर्ड लर्निंग कुछ ऐसे है। ऑथर के अनुसार आपको स्टॉक सेल करते समय 3-1 का रेशियो फॉलो करना चाहिए, यानी अगर आप किसी स्टॉक में 20-25% रिटर्न्स मिलने पर उसको सेल करने के लिए रेडी हैं तो आपको ये स्टॉक उस समय पर सेल कर देना चाहिए जब ये अपने बाइंग प्राइस से 7-8% नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज में बाय किया है और आपका टारगेट 120-125 रुपीज पर सेल करने का है तो 3-1 रेशियो के अकॉर्डिंग जब ये स्टॉक 92-93 रुपीज के लेवल पर आता है तो आपको इस स्टॉक से आइडियली एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना या एग्जिट होने से पहले आपको हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए।
इस बुक की फोर्थ लर्निंग में हम कजिन स्टॉक थ्योरी को समझेंगे। ऑथर के अनुसार अगर कोई एक इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर कोई एक कंपनी उस इंडस्ट्री को प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो वो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इस कॉन्सेप्ट को कजिन स्टॉक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऑथर ने एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि मिड 1960s में एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत सारे नए बोइंग जेट्स बनाए जा रहे थे। उसी समय एक कंपनी मोनोग्राम इंडस्ट्रीज इन एयरलाइन कंपनीज को केमिकल टॉयलेट सप्लाई करती थी। इस कंपनी ने उस समय बहुत अच्छी अर्निंग शो की और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो कंक्लूजन यही है कि जब कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना चाहिए ताकि आप ऐसी कंपनीज ढूंढ सकें जो उस इंडस्ट्री को प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं। इस बुक की फिफ्थ लर्निंग के रूप में हम तीन ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो हमें इन्वेस्ट करते समय जरूर ध्यान देने चाहिए। ऑथर के अनुसार हमें सिर्फ डिविडेंड्स या पी रेशियो को देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इनके अलावा और भी फैक्टर्स जैसे कि सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स, आरओई, प्रॉफिट मार्जिन, इकोनॉमिक मोट एक्सेट्रा को भी कंसिडर करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं ताकि हम सही समय पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। और फाइनली किसी भी स्टॉक को बाय करते समय आपको अपनी सेल स्ट्रैटेजी भी हमेशा प्लान करके रखनी चाहिए ताकि आप सही समय पर अपने स्टॉक से एग्जिट ले सकें। तो ये थी इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स। कमेंट्स में बताइए कि ग्रो रीड सीरीज के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट्स के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.